आई लव यू। कैसा लगा मेरा मजाक? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसे आई लव यू बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, आखिर मुझे हो क्या गया। और अगर हमें कोई आई लव यू बोल रहे तो क्या होता है? बहुत खुश होता है, लड्डू फूटते हैं मन में, ख्वाबों की दुनिया में चले जाते हैं। यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं सबके साथ यही होता है। लेकिन अब मैं आई लव यू बोल क्यों रही हूँ इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं अपना वीडियो की तरफ। अगर हमें कोई आई लव यू आके बोल दे लड़की, तो बस सब कुछ हम भूल जाते हैं, सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो बंद हो जाती है, बस मन में लड्डू फूटते हैं, खुश होते हैं, लेकिन हम उसके आगे कुछ नहीं समझते हैं कि क्यों बोला, किसने बोला, सच बोला कि झूठ बोला, कुछ से हम मतलब नहीं रखते हैं। अब यही ले लीजिए, अगर मैं आपको मान लीजिए आई लव यू बोल देती हूँ, तो आपको लगेगा कि यार सच्ची ये मुझसे प्यार करने लग गए, आप तो बहुत खुश हो जाओगे, नीचे कमेंट करोगे मुझे धड़ल्ला से। बट भाई देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इतना बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर मैं आपको आई लव यू बोल रही हूँ तो उसका कोई गलत मीनिंग नहीं है। अब होता क्या है कि अगर हम किसी को आई लव यू बोल देते हैं तो फलाने फलाने लोग क्या कहते हैं, भाई उस लड़के ने उसको आई लव यू बोल दिया, वो लड़की उसके साथ सेट हो गई यार, वो उससे प्यार करने लग गई, उसकी तो मौज बन गई, बस यही कहते हैं ना, यही कहते होगी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मैं आपको आई लव यू बोल रही हूँ तो उसका मतलब वो ही हो, वो ही हो मतलब भाई वही जो आप समझ रहे हैं। आई लव यू बहुत तरह से बोल सकते हैं, बहुत लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन अब आजकल के लोगों में क्या है, बस बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे सीधा अपना मतलब, उन्हें वो समझना होता है एक्चुअल में जो वो समझना चाहते हैं, बस उन्हें जो ऊपर का दिखता है सिर्फ वही वो उसे सच मांगते हैं, बाकी अंदर से उन्हें कुछ नहीं पता होता है। और सच बताऊँ, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, बहुत खोखली होती है अंदर से। अब मान लो मैंने आपको आई लव यू बोला, अब फलाने पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे, बट कोई बात नहीं, उन लोगों को सिर्फ देखिए मैं इतना सा समझाना चाहूँगी कि भाई आई लव यू बोलने का भी एक तरीका तो होता ही है, लेकिन आई लव यू किसे बोलना है, क्यों बोला, कब बोला, बहुत ज़रूरी रखता है ये, वरना आई लव यू के साइड इफ़ेक्ट निकल आएंगे भाई। तो अब मैंने आपको आई लव यू बोला, क्यों बोला, ध्यान से समझिए। देखिए, आप मेरी YouTube फैमिली हो, आप हो तो मैं हूँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को प्यार दिखाते हैं, मतलब आप देखिए डायरेक्टली मुझसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, सिर्फ आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का जो कनेक्शन है, आपका और मेरा, यानी कि क्रिएटर का और जो व्यूअर है उसका जो कनेक्शन होता है वो किससे होता है, वीडियो से। क्योंकि क्रिएटर होता है वो वीडियो बनाता है, उसकी मेहनत वो छिपी हुई होती है, और आप उसकी मेहनत को लाइक करते हो और उसे आगे बढ़ाते हो, तो इसमें क्या होता है, क्रिएटर का बहुत फ़ायदा होता है, उसे बहुत सपोर्ट मिलता है, जो वो चाहता है, जो उसका एम है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो आपके सपोर्ट के बिना यहाँ पे मैं कुछ नहीं हूँ, आप मेरा एक फैमिली है, आप मेरे एक परिवार की तरह हैं, आप मेरे एक दोस्त की तरह हैं, आप मेरे एक फ्रेंड की तरह हैं। मतलब समझने वाली बात है यार, लोग मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या सोच देते हैं समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अब एक फ्रेंड होता है, मान लीजिए हम, आप और मैं फ्रेंड है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड अगर कोई हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, तो हम अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को कह देते हैं आई लव यू। अब मान लीजिए पेरेंट्स होते हैं, बच्चा उन्हें क्या कहता है, आई लव यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, गलत मत सोचना, यहाँ पर बच्चे ने अपने माँ बाप को बोला, वहाँ पर उनकी ममता है, बच्चे का प्यार है, इसलिए आई लव यू बोला। तो सिर्फ देखिए एक समझने वाली बात होती है भाई, आई लव यू का मतलब ये नहीं होता है कि बस हाँ वो और वो सेट, फलाना फलाना सेट, वो पट गई, अरे भाई ये मतलब नहीं होता है। अपनी थोड़ी सोच को सुधारिए, अपनी खोखली सोच को थोड़ा ऊँचा बनाइए। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, बिना सोचे समझे लोग अपना मतलब निकाल कैसे लेते हैं। मैंने आपको आई लव यू बोल दिया तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि आपका मेरा कनेक्शन क्या है।
समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आपका और मेरा कनेक्शन ये है कि हमारा एक परिवार है, आप मेरी YouTube फैमिली है, Instagram पे जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं वो मेरी Instagram फैमिली है, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। अगर वो हैं, वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही आज मैं ऊपर पहुँच सकती हूँ, आज मैं कुछ बन सकती हूँ। अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो मैं लाख मेहनत कर लूँ, लाख कोशिश कर लूँ, लाख पसीना बहा लूँ इस गर्मी में, तो भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन उनका सपोर्ट मुझ पे बना हुआ है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी मिल जाएगी, जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए। तो देखिए, मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि आई लव यू बोलने का बहुत एक अलग मीन हो सकता है। हो सकता है आप जिसे आई लव यू बोल रहे हो वो एक खुशी से बोल रहे हो, हो सकता है आई लव यू आप जिसे बोल रहे हो वो आपका पार्टनर हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो। अब मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो आई लव यू बोलते हैं, तो अब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वहाँ पर प्यार करते हैं, उनके बीच में वो फीलिंग है, दिल वाली फीलिंग है, दिल का अटैचमेंट है वहाँ पर। वहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं एक दूसरे से इस कदर से जुड़ी हुई है कि वो आई लव यू बोलते हैं, उसका सुख उसका दुख वो अपना मानते हैं, तो वो आई लव यू होता है। और यहाँ पर हम जो आई लव यू बोल रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हो, मेरी मेहनत के बदले आप मुझे मेरा फल देते हो, मैं उसके लिए आपको आई लव यू बोलती हूँ। एंड मतलब उन लोगों को सिर्फ मैं इतना समझाना चाहूँगी जो लोग गलत सोचते हैं कि भाई आई लव यू का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको आई लव यू बोला तो गलत हो गई मैं। नो, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। जिसे समझ में आया हो तो लाइक करना, जिसे समझ में नहीं आया हो कमेंट करना, और जो समझना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो तीनों चीज़ कर देना, करनी ही है, बिना सब्सक्राइब लाइक कमेंट किए आपको जाना नहीं है। तो बस इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको इतना सा समझाना चाहती थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, और मिलते हैं फिर कोई अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।